आज हम दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूरी और विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले दूरी और विस्थापन की हम परिभाषा यानी डेफिनेशन समझेंगे। दूरी क्या होती है, तो दूरी का मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। कोई गतिमान वस्तु है यानी कोई वस्तु गति कर रही है, तो वह गति करने पर जितना भी मार्ग तय कर ले उसकी पूरी कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। जबकि विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति का मतलब होता है कि कोई वस्तु जब मतलब कोई वस्तु गति कर रही है, तो जब वह वस्तु गति कर रही होगी तो कोई एक निश्चित बिंदु से उसने गति करना प्रारंभ किया होगा। तो जिस निश्चित बिंदु से उसने गति करना प्रारंभ किया होगा वो उसका हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु। और जब वस्तु गति करेगी तो ऐसा तो नहीं है कि वस्तु ने एक बार गति करना प्रारंभ कर दी, वह लगातार गति ही करती रहेगी। कोई एक ना एक बिंदु ऐसा आएगा कि वहां पर जाकर वह वस्तु रुक जाएगी। तो जहां पर वस्तु जाकर रुक जाती है वो बिंदु उसका कहलाता है अंतिम बिंदु या फिर अंतिम स्थिति। तो वस्तु ने जहां से गति करना प्रारंभ की है वो उसका प्रारंभिक बिंदु होगा, और वस्तु जहां पर जाकर रुकी है वो उसका अंतिम बिंदु हो जाएगा। उन दोनों बिंदुओं के बीच जितनी भी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी का मतलब होता है सीधी दूरी, वही न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। तो दूरी में कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करने पर जितना पूरा मार्ग तय कर ले उस पूरे मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति का मतलब जहां से वह चलना प्रारंभ कर रही है और अंतिम स्थिति यानी जहां पर जाकर वह रुक रही है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब इस तरह से तो थोड़ा सा कम समझ में आता है, कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। इसका जब हम एक एग्जांपल बताएंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। जैसे कोई एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति एक शहर ए से शहर बी तक जाता है। मान लो दो शहर हैं, एक शहर ए है और दूसरा शहर बी है। शहर ए और शहर बी एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक जाता है। बताइए व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है और उसका विस्थापन कितना है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक जाता है और शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। तब हमें देखना है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा। तो दूरी के लिए व्यक्ति जितना मार्ग तय कर ले उसकी कुल लंबाई, और विस्थापन के लिए हमें देखना पड़ता है कि गतिमान वस्तु की प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है, उनके बीच की दूरी। तो व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक जाता है, तो जब शहर ए से शहर बी तक जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो शहर ए से शहर बी तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा, 50 किलोमीटर। तो दूरी हो जाएगी 50 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर अगर हम विस्थापन देखें तो व्यक्ति शहर ए से चल रहा है और जा रहा है वह शहर बी तक। तो हमने अभी बताया था कोई भी वस्तु जब गति करना प्रारंभ करती है तो कोई एक बिंदु से गति करना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर वस्तु ने गति मतलब कोई भी व्यक्ति ने या कोई भी जिससे भी वह चल रहा है उसने जो दूरी है वह उसने मतलब गति है उसने शहर ए से प्रारंभ की है गति करना। तो उसके लिए प्रारंभिक बिंदु शहर ए हो जाएगा और वह शहर बी तक जा रहा है यानी शहर बी पर जाकर वह रुक जाता है, तो फिर अंतिम बिंदु उसके लिए शहर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गतिमान वस्तु का प्रारंभिक बिंदु शहर ए है और अंतिम बिंदु शहर बी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जितनी दूरी होगी वही विस्थापन होगा। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक बिंदु शहर ए है और अंतिम बिंदु शहर बी है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस देखें तो शहर ए और शहर बी के बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर विस्थापन भी 50 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर इसी तरह से कोई मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसमें चेंजमेंट कर दे, जैसे कह दे कि एक व्यक्ति, देखो यहाँ पर जैसे हम कोई एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा है इसी क्वेश्चन में, कि अगर हम क्वेश्चन को कह दें कि एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक जाता है और फिर वह वापस शहर बी से शहर ए पर लौट आता है, तब बताइए व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है और उसका विस्थापन कितना है। तो दूरी के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि वह जितना मार्ग तय कर रहा है उन मार्गों की लंबाई को जोड़ते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, तो दूरी निकल आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक जा रहा है
तो जब भाई शहर ए से बी तक जाएगा तो 50 किलोमीटर तय कर लेगा, और फिर बी से वापस ए पर आ रहा है तो बी से वापस ए पर आने पर फिर से 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। ए से बी तक जाने में 50 और बी से ए तक वापस आने में 50, तो कुल दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। लेकिन यदि विस्थापन देखें तो विस्थापन देखने के लिए हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखने होते हैं। जहां से वह चलना प्रारंभ करेगा वो होता है उसका प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर जाकर वह रुकता है तो वो होता है उसका अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यक्ति शहर ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका शहर ए हो जाएगा। शहर ए से शहर बी तक जा रहा है लेकिन बी पर जाकर रुकता नहीं है, वापस फिर बी से कहां आ जाता है लौटकर ए पर, तो रुक भी वह कौन से बिंदु पर रहा है, शहर ए पर ही रुक रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के लिए प्रारंभिक बिंदु शहर ए है और अंतिम बिंदु भी शहर ए है, तो जब दोनों ही बिंदु एक ही है तो बताइए क्या उन बिंदुओं के बीच दूरी होगी। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करे, यहाँ से कहीं तक चला जाए फिर लौटकर वापस यहीं पर आ जाए, तो यहाँ से वह चला था तो यही बिंदु प्रारंभिक है, और लौटकर भी इसी बिंदु पर आ रहा है तो यही मतलब ये वाला ही बिंदु अंतिम बिंदु होगा। तो हम देखेंगे कि दोनों बिंदु एक ही है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति एक ही है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन जीरो होगा क्योंकि उन बिंदुओं के बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा जीरो। इसके बाद अगर हम कोई और एक आध एग्जाम्पल देखें इसके अलावा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया जाए कि एक व्यक्ति या कोई एक बच्चा गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, एक बच्चा गेंद को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकता है, यहां से उसने गेंद को ऊपर की ओर फेंका और वह गेंद 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है, वह गेंद 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है, तो और वह 20 मीटर ऊंचाई तक जाने के बाद फिर से वह लौटकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, बताइए अब इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है और उसका विस्थापन कितना है। तो हम देखेंगे कि गेंद को पृथ्वी तल से फेंका जा रहा है, वह गेंद पृथ्वी तल से 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर वापस पृथ्वी तल पर लौटकर आ जाती है, तो यहाँ पर हम दूरी देख सकते हैं कि उसने दूरी 40 किलोमीटर तय की होगी, यानी गेंद ने जो सॉरी 40 किलोमीटर नहीं मीटर है गेंद ने जो दूरी तय की होगी वो 40 मीटर, क्योंकि गेंद को पृथ्वी तल से फेंकते हैं वह ऊंचाई तक जाती है 20 मीटर ऊंचाई तक जाएगी तो दूरी 20 मीटर तय करेगी, फिर वापस पृथ्वी तल पर आएगी तो फिर पृथ्वी तल पर आने पर फिर से 20 मीटर दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी कुल 40 मीटर। लेकिन यदि विस्थापन देखें तो विस्थापन में हम सबसे पहले निकालेंगे इसका प्रारंभिक बिंदु, तो गेंद को पृथ्वी तल से फेंका जा रहा है तो गेंद के लिए प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, यहाँ से गेंद ऊपर तक जाती है लेकिन यहाँ से लौटकर फिर नीचे आ जाती है तो फिर से यहीं पर आकर रुक रही है, तो प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो जब दोनों बिंदु एक ही हैं तो फिर उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, जीरो होगी, तो इसलिए विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो सीधी सी कंडीशन होती है कि कोई अगर वस्तु गति कर रही है तो गति करने पर वह जितना मार्ग तय कर ले उस मार्ग की कुल लंबाई को कहा जाता है दूरी, जबकि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। तो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, तो हम बता सकते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है और गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूरी अदिश राशि होती है, दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, जबकि जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। यहाँ पर हम अदिश और सदिश के बारे में भी बताएंगे क्या होता है अदिश और क्या सदिश राशि होती है, इसकी भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जैसे यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल बताए तो उसमें देखा है हमने कि दूरी कभी भी शून्य निकल के नहीं आई, जो हमने यहाँ पर तीन एग्जाम्पल बताए तो उसमें देखा कि दूरी का कुछ ना कुछ मान निकल के आता है, तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है जबकि विस्थापन शून्य धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन में अंतर भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को दूरी और विस्थापन के बारे में समझ में आया होगा, और इनके और भी सवाल जो होते हैं दूरी और विस्थापन के उनको हम आगे आने वाली वीडियो में बता दें।